अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज ही मैं बनाने लगी हूँ वाइट पुलाव। आपने वाइट राइस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये वाइट पुलाव है, बिल्कुल पुलाव की तरह बनता है लेकिन ये सफ़ेद होता है। इसके लिए मैं चीज़ें चाहिए। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 गिलास चावल, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था, 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून क्रश चिली, 3 साबुत मिर्चें गोल वाली, 1 करी पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 अदद लौंग, 6 से 7 अदद काली मिर्चें साबुत, और 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जिसको मैंने मिडल में से हाफ कर लिया है, और 4 गिलास पानी। वाइट पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पतीला, जिसके अंदर मैं एटलीस्ट डालूंगी 1/2 कप ऑयल। यहाँ पे मैं डाल दूंगी प्याज और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनको हमें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, ये वाइट वाइट ही होंगे जब हम इनके अंदर पानी डाल देंगे हल्का सा। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं यहाँ पे प्याजों को। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारे मसाले चावलों के जो थे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 मिनट के लिए। मिनट के भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। यहाँ पे भूनते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, 1-2 मिनट। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावलों के पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर नमक कम लगता है तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पानी ड्राई होने का वेट करेंगे, फिर इसको हम लगाएंगे दम पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको देंगे दम तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पे चावलों को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग इसका दम खोलेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं वाइट वाइट हैं, खिले खिले मरे हैं। इनको अब हम अच्छे से हिला लेंगे। यहाँ पे वाइट फ्लावर रेडी है, आप घर में ज़रूर बनाइए और बताइए कमेंट में किस तरह के बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। यहीं पे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।